देखिए, उनको डर सता रहा है कि अब कहीं जो यादव कहीं भाजपा में जा रहा है, कहीं कांग्रेस में जा रहा है, कहीं बसपा में जा रहा है, वो हमारा साथ न छोड़ दे, इस नाते वो बार बार मंगेश यादव की चर्चा कर रहे हैं। संदीप यादव गाजीपुर की चर्चा क्यों नहीं करते? अभी कल रात की घटना फिर मैं कह रहा हूं, वो यादव जाकर के एसडीएम कोर्ट में मारपीट किया है, उसकी चर्चा कर लें बुला के। बताया जा रहा है कि मंगेश यादव परिवार के साथ में वो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। करे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मंगेश यादव अपराधी था कि नहीं था, पहले तो ये वो साबित करें। मंगेश यादव सुल्तानपुर लूटकांड में था कि नहीं, बस इतना सा हमारा है सवाल। सर, हाल ही में सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एक बयान दिया गया था और कहा गया था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी कार्यालय पर अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका जाएगा। देखिए, मठ और मंदिर, अगर अखिलेश जी मठाधीश की बात करते हैं तो मौलाना की बात क्यों नहीं करते? उनको मौलाना की भी बात करनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद, गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरु नाम सबको सम्मत दे भगवान, अल्लाह और ईश्वर एक है। आप मठ की बात करते हो, मठ क्या देता है? लोगों को शांति सद्भाव देता है, भाईचारा मिल्लत देता है, खुशहाली लाने की दुआ देता है, मठ से मिलता है। वही चीज मस्जिद से भी मिलती है। और अपराधी अपराध करता है, हत्या करता है, लूट करता है, डकैती करता है, उसकी तुलना अगर की जा रही है तो भाई उनका मत है, वो कर रहे हैं, उनका विषय है, लेकिन हम लोगों का विषय नहीं है। सर, जम्मू कश्मीर जिसमें दो जवान शहीद हो गए, इसका क्या देखिए, दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उन परिवार को जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को, ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। हमारे देश की सेना दुश्मन से लड़ रही है, देश सुरक्षित रहे, देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, अमन चैन से रहें। इस लड़ाई में जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम और हमारी पार्टी उनके पूरे परिवार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है, हमारी संवेदना है उस परिवार के साथ। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद वो कह रहे हैं कि देश में कुछ लोग हैं, देश में कुछ विरोधी ताकतें हैं जो देश को कमजोर और बांटना चाहते हैं। आज जजों को धमकाया जा रहा है, चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। देखिए, दोनों बातें हैं, या तो उनको सरकार को मानना पड़ेगा या तो जुडिशियल को मानना पड़ेगा। अंतिम फैसला लोगों को जुडिशियल से मिल रहा है। जुडिशियल पर उंगली उठाना और न्याय वहीं से लेना, आपको एक रास्ता तय करना पड़ेगा कि न्यायालय सही है कि नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो फिर आपको जमानत कैसे मिल गई? और दोनों तरफ कि ये भी गलत वो भी गलत, तो हम इसके पक्षधर नहीं हैं, एक तरफ होना पड़ेगा। सर, एक आखिर, सर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार
किसानों पे मेहरबान हो रही है। अभी जो है शुक्रवार को प्याज और बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया गया, उसको लेकर विपक्ष जो है केंद्र सरकार पे हमला कर रही है। चुनाव करीब आ गया इसलिए ये सब चीजें हटा दी जा रही है और सख्ती कर दी जा रही है, फिर चुनाव बाद फिर महंगा कर दिया जाएगा। देखिए किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, देश के हित में हमेशा केंद्र सरकार काम कर रही है। विपक्ष का काम है विरोध करना। जब ये सत्ता में थे तो इन लोगों ने किसानों के लिए अगर किया होता, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए किया होता, तो फिर आज ये नौबत क्यों आती, लोग उनका साथ क्यों छोड़ते। आज वही राहुल जी बोल रहे हैं कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा, पिछड़ों के अधिकारी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नहीं है। सरकार तो आपकी 60 साल थी, आपने क्यों नहीं करा दिया पिछड़ों को भागीदारी, क्यों नहीं दलितों और मुसलमानों को हिस्सेदारी दिला दिया। वही बात आज सपा बोल रही है, वही हाल बसपा बोल रही है। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है, अभी अमेरिका में राहुल जी ने बोला कि हम समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो अब तो समाजवादी पार्टी के लोगों से हम पूछ रहे हैं कि अभी तो आरक्षण बचाने की लड़ाई लोकसभा में लड़े हो, अब आरक्षण खत्म करने की लड़ाई आप लोग लड़ोगे। इनके साथ हो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, ये तय करो कि आरक्षण खत्म करने वाले के साथ खड़े रहोगे कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए लड़ोगे। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना पड़ेगा।